लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बेटी पैदा होने पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। बहू का आरोप है कि बेटी पैदा होने से ससुराल वाले बेहद नाराज हैं। जब मैं बेटी को लेकर ससुराल पहुंची तो सास ने उसे गोद से छीनकर नोच दिया और मुझे पीटकर घर से भगा दिया। पुलिस ने बहू की शिकायत पर पति सहित सास ससुर पर केस दर्ज किया है। उधर पति का कहना है कि बेटी होने को लेकर हमने कभी कोई दबाव नहीं बनाया, वे अपने साथ गुंडे लेकर आई और मारपीट कर चली गई। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय हिमांशी निवासी राजेंद्र नगर ने शिकायत में बताया कि 16 अप्रैल 2016 को उसकी शादी निखिल पिता भरत राठौर सेल्स टैक्स कॉलोनी के साथ हुई थी। जब वे प्रेग्नेंट हुई तो सास ससुर लड़का पैदा करने के लिए ही दबाव बनाने लगे। कई बार उसे गोपनीय रूप से सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा। 4 जुलाई 2017 को बेटी को जन्म दिया तो सास ससुर बोले, हम तेरी बेटी का चेहरा नहीं देखेंगे, हमें वारिस चाहिए था जो तुम नहीं दे सकी। पति निखिल भी कुछ समय के लिए आए और चले गए। हिमांशी ने बताया, निखिल भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और थाने में TCS कंपनी में पदस्थ हैं। वे भी TCS में काम करती थी। प्रेगनेंसी के कारण मैटरनिटी लीव पर है। पुलिस ने पति निखिल, ससुर भरत और सास आशा राठौर पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। हिमांशी ने आरोप लगाए हैं कि बेटी होने के बाद से उसे ससुराल से लेने भी कोई नहीं आया। 1 अक्टूबर को वे अपने पिता भाई व मामा के साथ ससुराल गई तो सास आशा राठौर और ससुर ने सभी से बदसलूकी की और मारपीट करने लगे। पिता इंद्रजीत, माँ सरोज, भाई जतिन और मामा आनंद राठौर को घर से बाहर कर दिया। 3 माह की बेटी को गोद से छीनने की कोशिश की और उसके पेट में नोच दिया। ससुराल वालों ने ऑडी कार की मांग भी की थी, जबकि पिता दहेज में काफी सामान दे चुके हैं।